Hey, welcome back. स्वागत है आपका इस चैनल में जहां बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो आज का केस स्टडी है बायोगैस प्लांट के ऊपर। बायोगैस प्लांट जहां पे हम इंटरनेट पे देखते हैं हर एक जगह बायोगैस प्लांट जो है खराब है, वो उसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और हर एक वो इंटरनेट पे यही प्रोवाइड करते हैं कि इंप्योरिटीज को सही तरीके से सॉल्व नहीं किया सकता है। तो फोकस हम करें कि उस प्रॉब्लम को, कि अगर इंप्योरिटीज को अगर हम सही कर दे बायोगैस प्लांट से, जो इंप्योरिटीज निकल गया था उसको सही तरीके से अगर हम सॉल्व कर दे तो बायोगैस प्लांट का भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, वो भी अच्छा खासा एक बिजनेस बना सकता है। क्योंकि मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है कैटल प्रोडक्शन में, और कैटल प्रोडक्शन जहां होगा वहां काउडंग जो है यानी कि गोबर आसानी से मिल जाएगा। अगर गोबर मिल जाएगा तो आपको रॉ मटेरियल्स जो है मिल गया, और आपको कंपनी बैठानी होगी इसको जो है गांव के इलाका में, उससे क्या होगा वहां भी जॉब प्रोवाइड हो जाएगा। ये तो ठीक है, जॉब प्रोवाइड होगा, लेकिन चूंकि गाँव में प्रोवाइड किया जाएगा, उसका प्रोडक्शन लगाया जाएगा हाउस, तो उससे क्या होगा कि आपका लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप लो कॉस्ट में भी अच्छा खासा ये बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। बस दिमाग इस जगह पे लगाना है कि इसके इम्प्योरिटीज को किसी तरह सही तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप इम्प्योरिटीज को सही तरीके से सॉल्व कर दिए तो ये बिजनेस अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकता है। वैसे बायोगैस प्लांट के ऊपर धीरे धीरे यूपी में भी अच्छी तरह से धीरे धीरे लग रहा है, और इसका इनोवेशन आने वाला है। इसका इनोवेशन तो ऑलरेडी आ चुका है लेकिन इसके ऊपर भी बिजनेस अच्छा खासा क्रिएट किया जा सकता है, इसके ऊपर भी जो है काम किया जा सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, तो इसमें भी स्टार्टअप करने का बहुत सारा चांसेस है। क्योंकि बस यहाँ पे करना क्या है, बस एक काम आपको मेहनत करना है, और वो है कि इसके इम्प्योरिटीज को किस तरीके से सही तरीके से रिजोल्व कर सके। इससे आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी बना सकते हो उसके बगल बगल में, उसके साथ साथ आप इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस कर सकते हो, उसके साथ साथ आप जो है आप बायोगैस सकते हो। तो ये सारे चीजें जो है इनोवेशन क्रिएट कर सकता है, और ये सिर्फ इनोवेशन ही नहीं, ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि बहुत सारे को जॉब्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो है जो कंपनी है, ये गांव में भी लगाया जा सकता है, जिससे बहुत सारे जो लोग बाहर जाते हैं कमाने, वो गांव में रहकर भी अच्छा तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप इससे क्या सीखे ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और आपको क्या लगता है, ये बिजनेस चल पाएगी भी नहीं चल पाएगी? अगर नहीं चल पाएगी तो मुझे कारण जरूर बताना, ताकि मैं अगले वीडियो में इसके बारे में सही से निर्णय और अच्छी तरीके से ले सकूं। फिलहाल आज के लिए इतना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।